बुधवार से फिर बदलेंगे मौसम के मिजाज, नया सिस्टम होगा सक्रिय, इन जिलों में बारिश के आसार, गिरेगा तापमान, तेज होगा ठंड का असर, जाने आईएमडी का पूर्वानुमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का टॉप डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल MP7 न्यूज। देखिए पूरी खबर। जी हाँ, बुधवार से मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। नए सिस्टम के सक्रिय होने से हवाओं का रुख बदलेगा और वातावरण में नमी बढ़ेगी। प्रदेश में ठंड का दौर शुरू होगा, वहीं कई जगहों पर बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी से हल्की बारिश होने के भी संकेत है। 15 नवंबर के बाद ग्वालियर चंबल संभाग के साथ ही रीवा और बुंदेलखंड में तापमान में तेजी से गिरावट आएगी और 20 नवंबर के बाद मालवा और निमाड़ में भी ठंडी हवाएं चलने का अनुमान है। अगले महीने 15 दिसंबर के बाद प्रदेश में शीतलहर चलने की स्थिति बन सकती है। MP मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में कोई भी मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं है, लेकिन 15 नवंबर को बंगाल की खाड़ी में एक नया मौसम तंत्र सक्रिय होने वाला है, जिससे वातावरण में नमी बढ़ेगी, जिससे कई जिलों में बारिश के आसार हैं। आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश की ग्वालियर और चंबल संभाग के कुछ जिलों के साथ ही सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ में भी कुछ स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। नए मौसम सिस्टम बनने के बाद टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, सागर, रायसेन, विदिशा सहित कुछ और जिलों में आने वाले 3-4 दिनों में बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं 15 नवंबर के बाद तेज ठंड का दौर शुरू हो सकता है। MP मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में सक्रिय होने वाले साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से 17 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक प्रदेश के ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, रीवा, सतना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, रायसेन जिले के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर बूंदाबांदी होने की संभावना है। नए मौसम सिस्टम बनने के बाद टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, सागर, रायसेन, विदिशा सहित कुछ और जिलों में आने वाले 3-4 दिनों में बौछारें पड़ सकती है। आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश की ग्वालियर और चंबल संभाग के कुछ जिलों के साथ ही सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ में भी कुछ स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। अगले 2-3 दिनों में हवाओं के रुख बदलने से प्रदेश में उत्तरी हवाएं 10-15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और तापमान के गिरते ही ठंड में इजाफा होगा। आने वाले दिनों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम संबंधित हर प्रकार की लेटेस्ट न्यूज की जानकारी के लिए आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।